नमस्कार दोस्तों, एमएस एक्सेल की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, जिसके अंदर में दो तरह के अलाइनमेंट होते हैं, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल में हम देखेंगे लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। दूसरा अलाइनमेंट होता है वर्टिकल अलाइनमेंट, जिसके अंदर में हम सीखेंगे टॉप, मिडिल और बॉटम। उसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट कंट्रोल। टेक्स्ट कंट्रोल में हम रैप टेक्स्ट करना सीखेंगे और मर्ज एंड सेंटर करना सीखेंगे, और उसके बाद टेक्स्ट ओरिएंटेशन। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन बटन को दबाएं, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हम शुरू करते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट होम टैब के अंदर में एक ग्रुप है, जिसके द्वारा हम हमारे सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं उस टेक्स्ट को अलाइन करते हैं। तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट, दो तरह का टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है। तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, सेंटर अलाइनमेंट होता है और जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। तो हम देखते हैं इस टेक्स्ट को किस तरह से हॉरिजेंटल अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो ये मैंने देखो, इस टेप के ऊपर में जो ये बटन दिया हुआ है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए है। तो मैंने लेफ्ट अलाइनमेंट पे दबाया तो जो ये वाला टेक्स्ट जो है लेफ्ट में अलाइन हो गया। इस तरह से ये सेंटर अलाइन हो गया और ये राइट अलाइनमेंट हो गया। तो इस तरह से ये हो गया हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। इसी तरह से हम वर्टिकल अलाइनमेंट देखते हैं, तो ये टॉप अलाइनमेंट हो गया, ये मिडिल अलाइनमेंट हो गया और ये बॉटम अलाइनमेंट हो गया। तो हम यहां पर भी देख सकते हैं इसको सेंटर में रख के, तो सेंटर में, तो ये टॉप में और ये मिडिल में। तो इस तरह से जो है टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली। तो इस अलाइनमेंट को हम इस यहाँ पर जो टैब के ऊपर में कमांड दिए हुए या ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके द्वारा भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, इस बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल अलाइनमेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं अलग अलग। और वर्टिकल अलाइनमेंट में यहाँ पर भी टॉप, सेंटर, बॉटम, जस्टिफाई इस तरह से दिया हुआ है, और साथ में इंडेंट भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमने लेफ्ट अलाइनमेंट किया और लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ में हमने इंडेंट 3 सेट किया, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से 3 टाइम्स तक जो है इस साइड में अलाइन होगा। मतलब पूरी तरह से, न तो ये मिडिल में है, ये सेंटर में है, न तो राइट में है। तो इंडेंट के साथ में हम इसको अलाइन कर सकते हैं। तो हमारे आवश्यकता अनुसार हम इंडेंट सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से राइट इंडेंट भी सेट कर सकते हैं, लेफ्ट इंडेंट भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम यहाँ से भी अलाइनमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर जो बटन दिए हुए हैं इसके द्वारा भी हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास तीसरा ऑप्शंस भी होता है। तो जो हमारी वर्कशीट होती है, इस वर्कशीट के अंदर में सेल होते हैं, तो जनरली हमारे जो फॉर्मेटिंग होती है वो सेल की ही फॉर्मेटिंग होती है। तो हम जिस सेल के अंदर जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना चाहते हैं, उस सेल के ऊपर में हम राइट क्लिक करें तो यहाँ पर जो है फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ जाता है। तो इसके ऊपर क्लिक करने पर भी हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। तो इस तरह से जो है अलाइनमेंट हम लोग करते हैं। अब देखते हैं हम टेक्स्ट कंट्रोल। तो टेक्स्ट कंट्रोल यहाँ पर दिया हुआ है, तो टेक्स्ट कंट्रोल जो है यहाँ पर भी दिया हुआ है, टेक्स्ट कंट्रोल, व्रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल। तो व्रैप टेक्स्ट का मतलब यह होता है कि जो टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द वर्क बुक इज डिवाइडेड इंटू वर्कशीट। तो ये सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो इसकी जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर से बाहर दिखाई दे रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा जो टेक्स्ट है इसी सेल के अंदर में दिखाई दे। तो हम इस पूरे सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, यानी कि ब्रेक, व्रैप करना यानी कि ब्रेक करना, तोड़ना। तो जैसे मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो ये देखिए जो मैंने सेंटेंस लिखा था वो दूसरे सेल में भी दिखाई दे रहा था, वो अब केवल एक सेल के अंदर में व्रैप हो गया। तो इस तरह से टेक्स्ट को हम व्रैप कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ अब हम देखते हैं
मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे हमने इस सेंटेंस को तीन सेल में एक साथ एक ही सेल में बदलना चाहते हैं, तो हम तीन सेल को सिलेक्ट करें, जितनी सेल को हमको एक सेल में मर्ज करना है उतनी सेल को पहले हम सिलेक्ट करते हैं, फिर हम मर्ज एंड सेंटर बटन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है कितनी सेल जो है मर्ज हो गई, 1, 2, 3 और 4। ये हमको कैसे पता चलेगा, तो हमारी जो रो है उससे हम देख सकते हैं, तो पहली रो, दूसरी रो और ये चौथी रो। तो इस तरह से जो है चार सेल को हमने एक सेल में मर्ज किया और जो टेक्स्ट था वो हमारा सेंटर में अलाइन हो गया। तो इस तरह से मर्ज करके और उस टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। यदि हमको इस सेल को वापस अनमर्ज करना है, तो यहाँ पर जो है मर्ज एंड सेंटर बटन पे ये एरो, डाउन एरो दिया हुआ है, इसी में ऑप्शन दिया हुआ है अनमर्ज सेल। तो जब हम इस पे ऊपर क्लिक करते हैं तो जो सेल हमने मर्ज किया था वो अनमर्ज हो जाती है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट कंट्रोल कर सकते हैं, टेक्स्ट को कंट्रोल कर सकते हैं रैप टेक्स्ट करके और मर्ज एंड सेंटर ऑप्शंस लेकर। अब देखते हैं हम ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन जो है, जैसे ये टेक्स्ट जो दिया हुआ है, इस टेक्स्ट को किस तरह से हम ओरिएंट करना चाहते हैं, मतलब घुमाना चाहते हैं। तो ओरिएंटेशन के लिए भी हम दो तरह से जा सकते हैं, या तो हम अलाइनमेंट ग्रुप में इस बटन पे क्लिक करने के बाद ओरिएंटेशन में जा सकते हैं, यहाँ देखिए ये ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर हम वही जो सेल के ऊपर में राइट क्लिक करके, माउस के राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर क्लिक करें तो हमारे सामने ये विंडो ओपन हो जाती है। तो इसमें जैसे यहाँ पर ओरिएंटेशन दिया हुआ है, तो ओरिएंटेशन जो है हम डिग्री के अनुसार कर सकते हैं। तो यहां से देखिए ये 0 डिग्री पे है, तो हॉरिजॉन्टली जो है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो ये पॉजिटिव डिग्री कहलाएगा, और नीचे की साइड में मोड़ेंगे तो ये नेगेटिव डिग्री कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये -90 डिग्री हो जाता है, और जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो ये टेक्स्ट जो है इस तरह से ओरिएंट हो गया। इसी तरह से हम जो है वापस जाते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इस तरह से ओरिएंट किया तो ये 45 डिग्री से ओरिएंट हो गया, जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये 45 डिग्री से ओरिएंट हो जाता है। इसी के साथ साथ हम यहाँ से भी ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वर्टिकल ओरिएंटेशन, तो ये इस तरह से टेक्स्ट को ओरिएंट कर देता है। तो इस तरह से हम टेक्स्ट ओरिएंटेशन करते हैं। और आज की क्लास में हमने देखा टेक्स्ट अलाइनमेंट, जिसके अंदर में हमने सीखा हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाई। तो जस्टिफाई में हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि ये सेंटर के अंदर में अलाइन है तो हम जस्टिफाई करेंगे। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट के लिए हमको यहाँ से जाना पड़ेगा इस विंडो के अंदर, और हॉरिजॉन्टल में हम जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं। तो जस्टिफाई से ये होगा कि ये जो टेक्स्ट है वो राइट लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से इक्वली जस्टिफाई ये अलाइन हो जाता है। तो इस तरह से हमने जस्टिफाई अलाइनमेंट भी सीखा, और वर्टिकल अलाइनमेंट में टॉप, मिडिल और बॉटम्स, और टेक्स्ट कंट्रोल में हमने रैप टेक्स्ट करना सीखा और मर्ज एंड सेंटर करना सीखा, और साथ ही टेक्स्ट ओरिएंटेशन हमने सीखा कि कितने डिग्री से हम टेक्स्ट को ओरिएंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।